तो गाइस अगर आप मोबाइल फोन या फिर टैबलेट यूज करते हो एंड आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कंटेंट वगैरह वॉच करना रहता है, चाहे आप मूवीज देख रहे हो या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो वैसे कि इसमें अगर आप इसको हाथ में पकड़े इसको यूज करते हो तो आपका हाथ जो है काफी फटी आता है ना, आपके हाथ दर्द करने लगते हैं। एंड अगर आप कोई टेबल स्टैंड यूज करते हो तो वैसे कि इसमें आपका जो पॉस्चर रहता है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, आपका जो सर रहता है वो इस तरीके से हर वक्त झुका रहता है, तो आपके गर्दन के अलोंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो तो वैसे कि इसमें आप कुछ इस तरीके के एर्गोनॉमिक स्टैंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे पास जो स्टैंड है वो ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी एंड काफी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है, जिसका हम लोग अनबॉक्सिंग के बाद डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि चैनल पे न्यू आए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना इस तरीके के टेक रिलेटेड कंटेंट से रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा मोबाइल फोन जो है इस स्टैंड के ऊपर मैं माउंटेड है एंड मैं आराम से अपने जो भी कंटेंट वगैरह है इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से कैजुअली बैठ के देख सकता हूं एंड मुझे फोन को पकड़ने का भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर मैं इसको यहां पे लगा दूं इस तरफ एंड आराम से काम भी करते हुए अपना कुछ कंटेंट वगैरह भी देख सकता हूं, या फिर मेरा हाथ जो है एकदम फ्री रहेगा एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर निकलेगा। अगर आप टेबल पे स्टैंड वगैरह यूज़ करके देखते हो तो आपको सर हमेशा नीचे किए रहना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको पॉस्चर है काफ़ी बेहतर निकल के आता है। आप आराम से इस स्टैंड की मदद से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर नीचे या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर हाइट पे भी एडजस्ट करना चाहते हो आराम से इसको कर सकते हो। काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया। मैं जब शुरू में इसको ओपन कर रहा था जो ये पूरा स्पायरल फॉर्म में आया हुआ था, तो जब मैं इसको अनटैंगल कर रहा था मुझे लग रहा था कि ब्रेक कर जाएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एक कॉन मुझे ये लगा कि अगर आपका टेबल बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है तो वैसे कि इसमें अगर आप इसको बहुत ऐसा छेड़ोगे तो ये शेक भी करता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप इसको माउंट करो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप इसको माउंट करना, ताकि आपको विजिबिलिटी एंड आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है। एंड बात करें इसके माउंटिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये हैंडल जो मिल जा रहा है तो निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको इस तरीके से स्लाइड करके निकालना पड़ेगा, ये खिसकता नहीं ऊपर की तरफ। अब देखो जब ये बाहर निकल जाएगा तब आप इसको आराम से अपने ज़रूरत के हिसाब से स्लाइड कर सकते हो। अगर आपके टेबल का थिकनेस और ज़्यादा मोटा है तो आप इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ इसको लेके जा सकते हो एंड अच्छा खासा जो थिकनेस आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा गैप है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको माउंट कर देना है एंड देन आपको वापस से इसको आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हो वहाँ पे इसको आपको टाइट कर देना है। मोबाइल फोन निकाल के करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इसका जो लोड है आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है। अभी जो है ये आराम से कहीं से खिसकेगा नहीं, देख सकते हो मैं पूरा दम लगा रहा हूँ, मेरा पूरा मॉनिटर वगैरह पूरा टेबल हिल जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको अलग अलग एंगल पर भी आप स्विच कर सकते हो। देखो फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपको काफ़ी अच्छी निकल के आती है इसमें, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इजिली इसको टिल्ट वगैरह भी कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी इस स्टैंड का काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है, जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है एंड वाइट कलर इसमें पूरा यूज़ किया गया, तो अगर आपके पास कुछ वाइट सेटअप बिल्ड करने जा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासी एक एक्सपीरियंस आपको देगा एंड थोड़ा सा देखने में भी एक्सपेंसिव आइटम आपको देखने में लगता है एंड जो मटेरियल्स वगैरह है वो भी एनफ है। यहाँ पे भी आपको जो स्टैंड के नीचे में कुशन दिया वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया गया एंड मोबाइल फोन का जो होल्डर है यहाँ पे भी आपको दोनों साइड से कुशन दिया गया, ताकि किसी भी तरीके का आपको स्क्रैचेस वगैरह ना मिले। मोबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी निकल के आती है इस वाले स्टैंड के अंदर में। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से शेक करोगे तो यहाँ पर आपको शेकिनेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो एक बार आप इसको स्टेबलाइज कर देते हो उसके बाद आप उसको छेड़ने का जरूरत नहीं, आप उसके बाद अपना कंटेंट जो है बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, अगर आप खुद के लिए बाय करना चाहते हो तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। बाकी चैनल पर नहीं आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड पीस आउट।